क्या आप पुलिस के साथ मारपीट कर सकते हैं या पुलिस आपके साथ मारपीट कर सकती है? नहीं, या दोनों ही विधिक नहीं है, दोनों ही विधि विरुद्ध हैं, चाहे आप पुलिस को मारे पुलिस आपको मारे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश हैं कि पुलिस किसी भी तरह की ज्यादती किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगी। लॉकअप में होने वाली मौतों को भी अमानवीय करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वगैरह के लिए भी प्रोविजन करके रखे हैं, एक विशेष दिशा निर्देश दे के रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस आपको मारती है तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार जो आपके हैं उसका उल्लंघन करती है। लेकिन हाँ, अगर कोई मान लीजिए ऐसी विधि है जिसके अनुपालन में पुलिस लगी है, जैसे मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी करने आई, किसी ने कोई अपराध किया है, किसी को के साथ मारपीट की है या कुछ और किया है या किसी की हत्या कर दी गई है, ऐसी स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी करने आती है और उस समय गिरफ्तारी होने में बाधा उत्पन्न होती है या कहीं दंगे हो रहे हों या कुछ स्थितियाँ और बिगड़ने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास ऐसे दंड को दबाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार होता है और वह उसे दंड प्रक्रिया संहिता से हासिल है कि वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो। या गिरफ्तारी में अगर व्यक्ति वह गिरफ्तार होने से अपने आप को बचाता है और बल का प्रयोग करता है कि हाँ मान लीजिए पुलिस गाड़ी बैठा ली नहीं बैठा है, तो उस समय बल का प्रयोग जो भी जैसा संभव का पुलिस कर सकती है। लेकिन अन्य जगहों पर नहीं। इंट्रोगेशन रूम में आपकी गिरफ्तारी हो गई, आप लॉकअप में आ गए, पूछताछ के लिए जो एक कमरा होता है उसे इंट्रोगेशन रूम कहते हैं थाना पर, वहाँ पर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है कोई जानकारी हासिल करने के लिए, तो वह अनुचित है, अमानवीय है, ऐसा नहीं किया जा सकता, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि बहुत से बार देखा गया कि लॉकअप में या हवालात में पुलिस कस्टडी में बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, पुलिसकर्मी इस तरह से उनके साथ मारपीट करते हैं अमानवीय तरीके से, उस स्थिति में बहुत से लोगों की जान चली गई या हत्या के कोर्ट में आने वाला अपराध है। अलग बात है कि इस पे जो FIR होती है गैर रातन हत्या की दर्ज होती है धारा 304 IPC में। तो अब आपको हम बताते हैं कि अगर आप पुलिस के साथ मारपीट कर सकते हैं तो आपके लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए पुलिस, आपने देखा होगा कभी किसी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या किसी गिरफ्तारी वगैरह में आती है, गाँव के लोग हैं या शहरों में भी लोग एकत्र हो जाते हैं और किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है उनको रोकते हैं, मारपीट करते हैं, कभी कभार तो हल्की मारपीट हो जाती है, कभी कभार गंभीर हो जाती है, वाहनों में आग लगा देते हैं लोग, पुलिसकर्मियों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, आंखें फूट जाती हैं, बहुत बार तो पुलिसकर्मियों की भी हत्याएं हो जाती हैं। यह दंडनीय है और ये बहुत घोर दंडनीय है, घोर अपराध है, बड़ा अपराध है। मृत्यु हो जाने पर तो आपके को जेल तक जाना ही जाना है, 302 दर्ज होगा ही होगा और साथ साथ आपके ऊपर राष्ट्र जैसे कानून भी लगाए जा सकते हैं, गैंगस्टर भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य मारपीट होती है तो पुलिस के ऊपर हमला करने के आरोप में आपके ऊपर 353 IPC जिसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है और जिसकी जमानत मजिस्ट्रेट दे सकता है, 332 IPC में आपको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकता है, यह जमानती अपराध है। 333 IPC इसमें अगर मान लीजिए आप पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, उनका दांत टूट जाता है, उनके हाथ टूट जाते हैं, उनका कोई अंग शिथिल हो जाता है कि किसी अंग का जोड़ बिल्कुल से अस्थायी रूप से खराब कर दिया जाए या चेहरा खराब कर दिया जाए या आँख फोड़ दी जाए, यह गैर जमानतीय है और इस पर जमानत सेशन न्यायालय ही दे सकती है,
10 साल तक की आपको सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर वाहन वगैरह में आग लगा देते हैं तो 427 IPC में भी दंड का प्रावधान है। रास्का गैंगस्टर जैसे गंभीर कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। अब बात यह आती है कि पुलिस मारपीट क्यों करते हैं। कभी कभी तो पुलिस गलत करती है, उस स्थिति में तो भाई होता है कि हाँ गलत होता है, कुछ ऐसा जो अविधिक करते हैं तो थोड़ा सा लोग आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पुलिस गलत करती है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ती है। आप बाइक से जा रहे हैं, पुलिस ने चेकिंग लगा के रखी है, कोई अपराध हो गया है, जांच की जानी है। बहुत से लोग होते हैं जो बाइक नहीं रुकता, पुलिस डंडा मारती है। अब गलती किसकी है? बाइक आपको रोकना चाहिए था, आप सही हैं तो फिर क्यों आपने बाइक नहीं रोकी, आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? आपको रोकना चाहिए था, पुलिस से बात करनी चाहिए थी, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था बेहतर तरीके से। मान लीजिए कभी कभी वाहन चेकिंग में भी ऐसा होता है जो कि कारण उचित है, अब तो मना कर दिया गया कि हाँ ट्रैफिक कर्मी के बगैर वाहन चेकिंग नहीं की जाएगी और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ही पावर है चालान वगैरह करने का। पहले सामान्य रूप में जो सिविल पुलिस के कर्मी थे ये भी चालान कर देते थे वाहनों का, अब ये कह दिया गया कि नहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी करेंगे और हेड कांस्टेबल से नीचे का कोई व्यक्ति वाहन चेकिंग नहीं कर सकता। तो मान लीजिए वाहन चेकिंग करते हैं, रोकेंगे आपको, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो वो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप भागते हैं और पुलिस डंडा मारती है, मान लीजिए आप गिर गए, हो सकता है आपको घोर पे मतलब काफ़ी चोट लग जाए, जान भी जा सकती है कई मामलों में, तो जान जाने किसी दिन तो पुलिस फंस जाएगी। लेकिन अगर आप चोट खा गए तो भी पुलिस ने गलत किया, तो किस तरह से मारने का अधिकार नहीं होना। आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके आपके ऊपर विधि कार्रवाई कर सकते हैं, आगे आपको रोका जा सकता कहीं। तो अगर कभी पुलिस गाड़ी रोकती है तो आप भागिए मत, जो भी सही है आप उससे पुलिस से बताइए। वाहन चेकिंग भी हो रही तो आप पेपर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अनजाने में मान लीजिए रात का समय है, आपको खतरा है कि आपकी जान जा सकती है, कहीं कोई आपके ऊपर हमला कर सकता है कुछ है। उस स्थिति में आपने कोई अपराध नहीं करके रखा, अगर मान लीजिए जैसे पुलिस अचानक आपके घर पे आ जाए, आप जानकारी न हो, तो आपको सेक्शन 97 में शरीर और संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार है, उसमें अगर मारपीट हो जाती है तो वह एक अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अपराध पंजीकृत होगा, अभियोग पंजीकृत होगा और उसमें जो अपराधी होगा उसे ही यह साबित करना पड़ेगा, साबित करने का भार उसके ऊपर होगा कि आप वही साबित करें कि हाँ उसका मामला एक्सेप्शन पे है और उसने ऐसा अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया, चाहे वह अपराध किसी घोर उपात में हो चाहे मृत्युकारित करने तक हो जाए। या मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी है, अगर वो मान लीजिए ड्यूटी पर था और आपने उस समय उसके साथ मारपीट की, तब तो ये सारे अभियोग आपके ऊपर लगेंगे, 353 है, 332 है, 333 भी है, हत्या या और कुछ अगर मान लीजिए हो जाता तो 307, 302 भी बन सकता है। लेकिन अगर आप पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी से आउट है, अगर आपके साथ वो मारपीट करता है, आपको किसी तरह से धमकाता है, तो वह सामान्य व्यक्ति है उस समय, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो सकती है जो किसी एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है, आपको उससे बात करनी है, आपको उससे बताना कि जो अधिकार अब आपके पास है वही अधिकार मेरे पास है, हम दोनों के अधिकार बराबर हैं। अब आप ड्यूटी पर नहीं है, समय आपकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। सिविल पुलिस कर्मी जो होते हैं, सिविल पुलिस के कर्मी, इन्हें वर्दी पहनना बड़ा अनिवार्य होता है, बिना वर्दी पहने नहीं हो सकते। कुछ स्पेशल ब्रांचेस में चले जाते हैं, क्राइम ब्रांच वगैरह में या CID में, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन्स हैं, लेकिन जो सिविल पुलिस का कर्मी है इसे ड्यूटी में के टाइम पर वर्दी पहन के रखना है, बिना वर्दी पहने गिरफ्तारी में या किसी भी व्यवस्था का अनुपालन नहीं जा सकता। इनका नेम प्लेट बैच होता है, आपने देखा होगा, नेम प्लेट दिखना चाहिए, उनका नाम लिखा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो एक व्यवस्था और भी है, एक PNO नंबर करके होता है, 9 अंक का PNO नंबर होता है, वो PNO नंबर दिखना चाहिए, उससे इसकी पहचान हो जाती है कि हाँ ये फला पुलिस कर्मी, इसकी यहाँ तैनाती है, पोस्टिंग यहाँ पर है सिविल पुलिस में, इसमें फादर का नाम क्या है, रहने वाला कहाँ का है। अगर वो नेम प्लेट नहीं लगाए हुए
तो वो गलत है, उस पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है, उनको लाइन हाजिर किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, विभागीय जांच भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी रुक सकती है अगर गंभीर मामले पाए जाते कि आप निरंतर ऐसा अनुशासनहीन कार्य करते हैं, क्योंकि यह पुलिस बल में एक अनुशासन बल माना जाता है और यह अनुशासनहीनता होती है। तो अगर बैच नहीं लगाए हैं तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, पुलिसकर्मी की फोटो भी खींच के आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ इस पुलिसकर्मी ने अपना बैच नहीं लगाया हुआ था, इसकी पहचान नहीं हो सकती कौन है ये कोई अगर अपराध कार्य करे तो इसको कैसे पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं कि पुलिसकर्मियों को सभी संरक्षण दे दिया गया, ड्यूटी के टाइम पर है तब भी नियमावली उनके लिए बनी हुई है, लोक सेवकों के लिए भी नियमावली बनी है, उन पे भी कार्यवाहियाँ होती हैं, FIR उनके खिलाफ भी दर्ज होते हैं। बताओ ये कि आपको सही प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा, जो विधिक प्रोसीजर है वो अपनाना पड़ेगा। आपके साथ कोई पुलिसकर्मी मारपीट करता है, इसकी शिकायत आप पुलिस अधीक्षक से करेंगे, या अगर कमिश्नरेट पुला रही है तो DCP से करेंगे, जो भी इस एरिया का लोकल होगा DCP, या आपके जनपद का जो भी पुलिस अधीक्षक होगा, जिस थाने में आपके साथ मारपीट होती है पुलिस अधीक्षक नहीं सुनता है तो आप न्यायालय जाएंगे, और अगर आप मुकदमा लिखवाना चाहते हैं तो आप न्यायालय के माध्यम से भी 156(3) CRPC में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कानूनी पेश है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC में 197 का प्रोविजन है, जिसमें यह है कि किसी भी लोक सेवक या न्यायाधीश के विरुद्ध आप अभियोग पंजीकृत नहीं करा सकते हैं जब तक राज्य अनुमति नहीं देगा। अब राज्य से मतलब क्या होता है, न्यायाधीश के लिए तो जिस उच्च न्यायालय के साधारण अधीन है उसके अंतर्गत न्यायाधीश आएगा, हाईकोर्ट अनुमति देगी तभी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है, कोई पुलिसकर्मी चाहे या राज्य चाहे तब भी नहीं लिख सकते जब तक हाईकोर्ट अनुमति नहीं देगी न्यायाधीश के लिए। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी है या कोई अन्य कर्मचारी है तो उसके खिलाफ मुकदमा तभी दर्ज किया जा सकता है जब राज्य सरकार ऐसा निर्देशित करेगी। राज्य सरकार से मतलब होता है पुलिस अधीक्षक के अधीन, पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक मुकदमा लिखवा सकते हैं। करप्शन के मामलों में सिचुएशन अलग होती है, करप्शन अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो भ्रष्टाचार के मामलों में अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने अगर कोई वीडियो बनाई हुई है तो उसके लिए आप अगर पुलिस अधीक्षक मुकदमा लिखवाता है तो ठीक है, और नहीं दर्ज करवाता है तो आप सीधा सीधा जो प्रिवेंशन आप करप्शन की कोर्टी हैं PC एक्ट की कोर्टें हैं आप उनमें जा सकते हैं और उनमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसमें कोई अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं है राज्य सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गाइडलाइंस हैं, जजमेंट हैं कि करप्शन के मामलों में राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के मुकदमा नहीं दर्ज होगा। कभी कभार 190 CRPC में कंप्लेंट हो जाती है, अगर पुलिसकर्मी या कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह के कंप्लेंट या किसी मुकदमे में अगर मान लीजिए दर्ज होता है और वो उनके खिलाफ चार्जशीट या उनके खिलाफ अगर वारंट इशू होता है और जाँच इसके बाद उनका ट्रायल शुरू होता है तो तब तक उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, उनका कोई प्रमोशन नहीं होगा और उन्हें कई और विधिक प्रक्रियाओं मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप उनके चलित पंजिका पर अगर उसको अंकित करवा देते हैं किसी भी माध्यम से सूचना देकर तो उनके तब तक के लिए प्रमोशन वगैरह रोक दिए जाएंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता, उनकी वेतन वृद्धि रुक जाएगी। तो अगर कभी भी पुलिस आपके साथ मारपीट करती है तो आपको पुलिस के साथ मारपीट नहीं करना है सामान्य तरीके में, अगर कुछ ऐसा कारण है कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पुलिस अपनी ड्यूटी पर नहीं है, वर्दी में नहीं है, ड्यूटी पर आप हैं और आपके साथ वो अगर मारपीट करते हैं तो भी उनके खिलाफ वही प्रयोजन आगे, अगर ड्यूटी पर भी हैं तो भी ऐसा नहीं है, आप उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक या DCP से कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित होगी, क्योंकि जीवन का अधिकार सभी के पास है, अनुच्छेद 21 सबको जीवन का अधिकार देता है। तो आपको अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करना है, आपको मारपीट नहीं करनी है, अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।